नमस्कार दोस्तों, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर कमोडिटी की। कल हमने देखा एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिला। कहीं ना कहीं देखें तो एडिबल ऑयल्स में हमने हायर लेवल पे बिकवाली आते हुए देखी है। एक्सपेक्टेड है आज भी खाद्य तेलों में हायर लेवल पे बिकवाली देखने को मिल सकती है। सोयाबीन, रिफाइंड आरएम सीड, क्रूड पाम ऑयल, यहाँ पर बिकवाली के साथ ट्रेड किया जा सकता है। सोयाबीन में सपोर्ट 6180, रेजिस्टेंस 6430। रिफाइंड सोया सपोर्ट 1307, रेजिस्टेंस 1330। आरएम सीड सपोर्ट 8480, रेजिस्टेंस 8700। क्रूड पाम ऑयल सपोर्ट 1100, रेजिस्टेंस 1125। यहाँ पर बिकवाली के साथ ट्रेड ले सकते हैं। एक्सपेक्टेड है एडिबल ऑयल्स में डाउनसाइड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। अच्छी बारिश होने की वजह से पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आने वाले समय में अच्छी आवक देखने को मिल सकती है और भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम मसालों की बात करें तो मसालों में कल हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। एक्सपोर्ट डिमांड और डोमेस्टिक फेस्टिवल डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीरा में सपोर्ट 14600, रेजिस्टेंस 15300। टर्मरिक सपोर्ट 7450, रेजिस्टेंस 7800। कोरिएंडर सपोर्ट 7870, रेजिस्टेंस 8100। वहीं ग्वार सीड गार्गम की बात करें तो वहाँ पर भी हमने हायर लेवल पे एक रेंज बाउंड मूवमेंट आते हुए दिखा है। हालांकि यहाँ पर हमने हायर लेवल पे कुछ सेलिंग एक्यूमुलेट होती हुई देखी जा सकती है। तो आज के लिए ग्वार सीड गार्गम में हमें लगता है कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड हो सकता है। यहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि लोअर लेवल पर खरीदारी का ट्रेड बनाया जा सकता है। ग्वार गम में सपोर्ट 10100, रेजिस्टेंस 10750। ग्वार सीड सपोर्ट 6200, रेजिस्टेंस 6440। कैस्टर के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। एक्सपोर्ट डिमांड से भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कैस्टर में सपोर्ट 6170, रेजिस्टेंस 6380। वहीं कॉटन कपास के अंदर भी नरमी देखने को मिल रही है। मंडियों के अंदर आवक बढ़ने की वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कॉटन कपास के अंदर भी बिकवाली का साथ ट्रेड किया जा सकता है। कॉटन में सपोर्ट 25400, रेजिस्टेंस 26250। तो आज के लिए हमें लगता है कि एडिबल ऑयल्स में बिकवाली के साथ ट्रेड कर सकते हैं। ग्वार सीड ग्वारगम में खरीदारी के साथ ट्रेड कर सकते हैं और मसालों के अंदर भी निचले स्तरों पर खरीदारी बना सकते हैं और कॉटन के अंदर हायर लेवल पर बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। आशा करते हैं आपको इस जानकारी से फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद।